प्रदेश में प्री मानसून गतिविधि यानी गरज चमक के वन तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को भोपाल में राहत भरी बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली है। भोपाल के न्यू मार्केट, कोलार और बड़ा तालाब समेत ज्यादातर इलाकों में बारिश हो रही है। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एसके नायक के मुताबिक प्री मानसून गतिविधियां बढ़ने के कारण गर्मी से राहत मिलेगी, हालांकि इससे उमस बढ़ सकती है। शहर में दोपहर बाद 2 बजे से बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुई, लोग बाहर निकल गए और बारिश का आनंद लेने लगे। गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक बुंदेलखंड के दमोह में सबसे ज्यादा 19 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ग्वालियर संभाग के शिवपुरी और खानियाधाना में भी राहत भरी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। इधर राजधानी में रात के तापमान 2.5 डिग्री की लुढ़क कर 28 डिग्री पर पहुंच गया। इस वजह से रात में भी गर्मी से मामूली राहत मिली। दमोह में गुरुवार को सुबह से आसमान साफ होने से उसम थी, लेकिन शाम 4:30 बजे के बाद फिर आंधी चलने से बिजली गुल हो गई और शाम को फिर बारिश का दौर शुरू हो गया। रुक रुक कर रात तक बारिश होती रही। ग्वालियर के खानियाधाना में भी 2 घंटे बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। दमोह के अलावा जबलपुर में 14, खजुराहो में 1, टीकमगढ़ में 5, सतना में 1.2 मिमी बारिश हुई। हल्की बारिश से 9 गांव और इंदौर भी तर हुए। भोपाल में शुक्रवार की सुबह से ही पारे की चाल धीमी रही। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में तेज हवा के साथ बूंदे पड़ने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एके शुक्ला ने बताया कि अरब सागर से आ रही नमी एवं पंजाब के नजदीक बनी ट्रफ लाइन के कारण प्री मानसून गतिविधि में इजाफा हुआ है। इसका असर राजधानी भोपाल में शुक्रवार और शनिवार को देखने को मिलेगा। शिवपुरी में बारिश से गर्मी से राहत। शिवपुरी में गुरुवार को शाम से रात तक रिमझिम बारिश होने के साथ ही मौसम में ठंडक घुल गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। गुरुवार को सुबह से यहां बादल छाए थे, जो शाम होते होते बरसने लगे तथा रात तक हल्की बारिश होती रही। इसके चलते तापमान में गिरावट आई है, हालांकि बारिश के कुछ घंटों बाद उमस बढ़ गई। यहां शुक्रवार को भी बूंदाबांदी की संभावना है।